त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। तारानगर सीएचसी में विधायक कोष से 65 लाख की लागत से बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट कार्य का शुभारंभ आज से हो गया है। कार्य के शुभारंभ के दौरान विधायक नरेंद्र बुडानिया ने वर्चुअल रूप से उपस्थित होकर विधिवत रूप से कार्य का प्रारंभ किया। पंडित गोपाल शास्त्री ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ विधिवत पूजा अर्चना करवाकर शिलान्यास किया। इस अवसर पर प्रधान संजय कसवा व उपखंड अधिकारी मोनिका जाखड़ ने आधारशिला रखी। विधायक बुडानिया ने कहा कि कोरोना महामारी के इस कठिन दौर में सरकार ने संकल्पबद्ध होकर कार्य करवाते हुए आमजन को राहत देने का कार्य किया है। ये ऑक्सीजन प्लांट तारानगर की चिकित्सा सुविधाओं में 4 चांद लगा देगा। इससे लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं तारानगर में मिलनी शुरू हो जाएगी। तारानगर विधायक महोदय श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया के द्वारा सीएचसी परिसर में 65 लाख रुपए के ऑक्सीजन प्लांट की जो घोषणा की गई थी वो आज सर के द्वारा वर्चुअल वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया गया है। और इसके माध्यम से यहाँ चिकित्सा क्षेत्र में ऐसी बड़ी परिसंपत्ति उत्पन्न हुई है जिससे आने वाले समय में तारानगर क्षेत्र के लोगों को बहुत लाभ पहुँचेगा। इसके लिए तारानगर के लोगों को बाहर के अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा। इसके साथ ही सर ने एसडीएम कैंपस में तहसील भवन की भी घोषणा की है। इससे भी काफ़ी सुविधाएं बढ़ जाएंगी। तहसील कार्यालय और एसडीएम कार्यालय अब एक ही कैंपस में होंगे। इससे लोगों को काफ़ी सुविधा होगी उनके आम दैनिक ज़रूरतों से संबंधित जो भी सुविधाएं हैं वो सभी एक छत के नीचे मिलेंगी। इसके साथ ही 25 लाख की जो एम्बुलेंस की घोषणा की है सर ने सीएचसी के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज श्रीमान विधायक महोदय श्री नरेंद्र जी बुडानिया साहब की अस्पताल के अंदर कोविड-19 महामारी से लड़ाई लड़ने हेतु हथियारों की दूसरी खेप के रूप में श्रीमान विधायक महोदय ने आज हमारे अस्पताल परिसर के अंदर 62 लाख रुपए की विधायक निधि कोष से ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास वर्चुअल रूप में किया। इसी श्रृंखला में विधायक महोदय ने अस्पताल को एक सुसज्जित सुव्यवस्था के साथ में 25 लाख रुपए कीमत की एम्बुलेंस देने की घोषणा की। इसी कड़ी के अंदर विधायक महोदय ने ऑक्सीजन पावर बैकअप के लिए आज 62 KVA के एक जनरेटर को अस्पताल को डोनेट करने की विधायक निधि कोष से घोषणा की। और इसी कड़ी के अंदर श्रीमान विधायक महोदय ने आज इस अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट को शीघ्र अतिशीघ्र संचालित करके अस्पताल की व्यवस्थाओं में इजाफा करने की ये दूसरी खेप दे करके इस अस्पताल को बहुत ही ओतप्रोत किया है, लाभान्वित किया है। इसके लिए हम सब विधायक महोदय साहब का दिल से आभार प्रकट करते हैं। मैं सीएससी इंचार्ज की हैसियत से उनको नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। इस दौरान बुडानिया ने अस्पताल में 25 लाख की लागत से एम्बुलेंस, अस्पताल में 62 KVA का जनरेटर विधायक कोष से देने की घोषणा की है। इसके अलावा एसडीएम कार्यालय में तहसील कार्यालय खुलवाने की भी घोषणा की है। इस मौके पर एसडीएम मोनिका जाखड़, बीडीओ संत कुमार मीणा, चेयरमैन प्रियंका बानो, जिप सदस्य विमला कालवा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जसवंत स्वामी, जयचंद शर्मा, भागीरथ भामी, सुरेंद्र सहारण, हरि सिंह बेनीवाल, सीएससी प्रभारी डॉक्टर मोतीलाल सोनी आदि मौजूद रहे। तारानगर के राजकीय समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के कर कमरों से 65 लाख रुपए की लागत से ऑक्सीजन प्लांट की नींव रखी गई है। विधायक बुडानिया ने 25 लाख की एम्बुलेंस एसडीएम परिसर में तहसील भवन बनाने व परिसर सीएससी में 62 KVA का जनरेटर देने की घोषणा की है। आज कार्यक्रम में एसडीएम मोनिका जाखड़, बीडीओ संत कुमार मीणा, प्रधान संजय कसवा एवं पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। मैं तारानगर शहरवासियों की तरफ से विधायक बुडानिया का धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आज माननीय किसान नेता एवं विधायक श्रीमान नरेंद्र जी बुडानिया के द्वारा तारानगर विधानसभा क्षेत्र में सीएचसी तारानगर में और तारानगर की जनता को इस महामारी से मुकाबला करने के लिए 65 लाख रुपए विधायक कोष के सहयोग से 50 बेड ऑक्सीजन सिलेंडर के निर्माण हेतु प्लांट का आज शिलान्यास वर्चुअल मीटिंग द्वारा विधायक जी के द्वारा किया गया है।
कोरोना वायरस संक्रमण महामारी से बचाव एवं उपचार के लिए भामाशाहों की ओर से सहयोग लगातार जारी है। इसी के तहत आज सालासर के पुजारी परिवार की ओर से 11 लाख रुपए की लागत के ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर एवं रेगुलेटर प्रदान किए गए। पूर्व जिला प्रमुख भरलाल पुजारी, धर्मवीर पुजारी एवं मांगीलाल पुजारी सहित प्रतिनिधियों ने जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा को यह सामग्री भेंट की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने पुजारी परिवार की सराहना करते हुए कहा कि पूर्व में भी इस परिवार की ओर से 21 लाख रुपए वैक्सीनेशन के लिए देने के साथ साथ काफी मदद की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि चूरू जिला भामाशाहों की धरती है और यहां के लोग इस मामले में काफी उदार मना है। यहां के लोग काफी दयालु है, काफी उदार मना है और उसी श्रृंखला में आज जो सालासर विकास समिति और पुजारी परिवार ने जो जिले में जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है उससे बचाव के लिए आज सिलेंडर दिए हैं, प्लस जो आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेटर दिए हैं, रेगुलेटर दिए हैं। मैं पुजारी परिवार का और सालासर विकास समिति का मेरी ओर से, जिला प्रशासन की ओर से बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इस मौके पर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पुजारी परिवार ने 21 लाख रुपये वैक्सीनेशन के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिए हैं, ये आपकी प्रेरणा है, अच्छी बात है, आप आगे आ रहे हैं और इस तरह के जो सामाजिक सरोकार है उसमें आप जुटके ये काम कर रहे हैं। एक बार पुनः आप सभी का मेरी ओर से आभार। इस अवसर पर पूर्व जिला प्रमुख भवनलाल पुजारी ने बताया कि जिले के चिकित्सा संस्थानों में संसाधनों की कमी नहीं रहे, इस उद्देश्य से सामग्री दी जा रही है। भविष्य में भी जरूरत पड़ने पर पुजारी परिवार की ओर से किसी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के समय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य ने पूरे कौशल और प्रबंधन के लिए इस संकट का सामना किया और यही वजह है कि पहली लहर की तरह दूसरी लहर के दौरान भी राज्य सरकार के प्रबंधन की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। इस दौरान एसडीएम अभिषेक खन्ना, सीएमएचओ और डॉक्टर मनोज शर्मा, मोहनलाल आर्य सहित अधिकारी, जनप्रतिनिधिगण मौजूद थे। सालासर बालाजी धाम से हमारे समस्त पुजारी परिवार ने मिलकर के और जिला कलेक्टर महोदय को यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर और कंसंट्रेटर मशीन करीब 11 लाख रुपए की लागत से यहाँ पे आज उनको सुपुर्द की है और पहले भी मंदिर समिति की ओर से हमेशा आगे बढ़ करके काम इस तरह के जो राष्ट्रीय आपदा में काम करते रहे हैं। 21 लाख रुपए वैक्सीन के लिए भी मुख्यमंत्री सहायता उसने दिए हैं और ये भरोसा दिलाना चाहते हैं कि सालासर मंदिर से समस्त पुजारी परिवार मिलकर के जब कभी भी जिस बात की आवश्यकता होगी तो इस तरह के आगे बढ़ के काम करने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सांसद राहुल कसवा ने आज जिला मुख्यालय पर स्थित भर्ती अस्पताल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस मौके पर सीएमएचओ डॉक्टर मनोज शर्मा व पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान सांसद कसवा ने बताया कि चूरू लोकसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित होने में देश के तीसरे नंबर पर आ गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत रबी 2019 में रिकॉर्ड लगभग 1100 करोड़ रुपए का बीमा क्लेम चूरू लोकसभा क्षेत्र के किसानों को मिला था। ठीक इसी प्रकार खरीफ 2020 में भी करीब 650 करोड़ रुपए का फसल बीमा किसानों को मिलेगा। योजना का डिस्ट्रिक्ट में इस बार बहुत ही बेहतरीन अपने को लाभ मिला है। जिला कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के अंदर नंबर वन की तरफ बढ़ रहा है। 19-20 रबी के अंदर हमने 1100 करोड़ रुपए से ऊपर का क्लेम लोकसभा क्षेत्र में बांटा था, इस बार भी 2020 खरीफ के अंदर 250 और कम से कम 550 करोड़ रुपए का लोकसभा क्षेत्र में क्लेम आया है। राजस्थान सरकार अपने हक का प्रीमियम राशि नोहर की जमा नहीं कर पाई थी और हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर चूरू और सदारसर को छोड़कर सभी तहसीलों के क्लेम रुके हुए थे, उनकी राशि जमा नहीं कर पाई, इसलिए भारत सरकार भी अपने हिस्से की प्रीमियम राशि नहीं दे पा रही है। हमने सरकार से निवेदन किया है, कुछ पैसा जमा होने के बाद में कल से लोगों को प्रीमियम क्लेम मिलना शुरू हो गया है। मेरा आप सभी से निवेदन है, क्लेम के मिलने के पश्चात बहुत से लोगों के ये मन में आती है कि मुझे क्लेम नहीं मिला है, कम मिला, जो उनकी त्रुटियां होती हैं। हमने मीटिंग के दौरान ये बात तय कर दी थी कि तहसील लेवल पे बीमा का अधिकारी बैठेगा, जैसे ही कोरोना काल खत्म होता है मेरा सभी से किसान भाइयों से निवेदन है आप उस अधिकारी से पूछिए कि मेरा क्लेम का पॉलिसी नंबर मेरा ये है, मेरा क्लेम क्यों नहीं आया और उसका आपको हक के दिलाने का काम हम करेंगे। अगर किसान का प्रीमियम कटा है और पटवार मंडल में नुकसान है तो उसको 100% क्लेम मिलेगा, कहीं भी कोई समस्या आएगी आपके सांसद के रूप में सरकार के लिए हम बात करेंगे और उसका आपको हक दिलाने का काम करेंगे। मेरा सभी से निवेदन है चंदा जीवियों से बच के जरा रहें और इसके अंदर अगर किसी भी भ्रमित होने की दरकार नहीं है।
राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस की पूर्व संध्या पर रविवार को आयोजित लाइव वेबिनार में जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा ने कहा कि तंबाकू सेवन के खिलाफ जागरूकता की आवश्यकता है। तंबाकू पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से आमजन को जागरूक किया जाना ही इसका उपाय है। जागरूकता अभियान से ही टोबैको फ्री चूरू बन सकेगा। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग तथा संप्रीति संस्थान फिल्म स्थान एवं ओएसी सैनिक स्कूल के तत्वावधान में सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक व यूट्यूब पर जिंदगी को चुने तंबाकू नहीं विषय पर हुए लाइव वेबिनार में हास्य क्षेत्र से जुड़े अभिनेता ख्याली सहारे ने तंबाकू से होने वाले दुष्परिणाम व नकारात्मक प्रभाव के बारे में बताया। जिला कलेक्टर ने बताया कि इसका उद्देश्य तंबाकू पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव और नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभाव की ओर ध्यान आकर्षित करना है। चूरू के भर्ती अस्पताल में आज पंजाब नेशनल बैंक की ओर से मरीजों के लिए दो व्हील चेयर पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी को अस्पताल परिसर में भेंट की गई। बैंक के डीसीओ अजय सिंह चौहान ने बताया कि भर्ती अस्पताल में उपचाराधीन मरीजों व कोरोना महामारी में निस्सहाय मरीजों के लिए बैंक परिवार की ओर से दो व्हील चेयर भेंट की गई है। हर समाज सेवी को ऐसे अस्पतालों में निस्वार्थ भावना से दान करना चाहिए जिससे मरीजों को संबल प्रदान हो और वो मरीज अस्पताल से स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। इस अवसर पर पीएमओ डॉक्टर एफएच गोरी ने बैंक परिवार के सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर डॉक्टर जेपी चौधरी, डॉक्टर मामराज ईसरान, शाखा प्रबंधक प्रमोद कुमार मीणा आदि उपस्थित थे। हमारे हनुमानगढ़ पंजाब नेशनल बैंक सर्किल की तरफ से दो व्हील चेयर डोनेट की जा रही है डीबी अस्पताल को, जिससे कि जो कोविड के पेशेंट हैं या जो वृद्धजन हैं और जिनको घुटने में प्रॉब्लम होने के कारण चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है और जो भी पेशेंट जिनको इमरजेंसी तक जाने में दिक्कत होती है उनकी सुविधा के लिए ये व्हील चेयर बहुत ही उपयोगी रहेगी। और ये व्हील चेयर पीएनबी परिवार की तरफ से मंडल कार्यालय हनुमानगढ़ हमारे सर्किल हेड श्रीमान सलेरिया साहब की तरफ से भेंट की गई है, जिसका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आगे पीएमओ साहब ने ये रिक्वेस्ट की है कि अगली बार जब आप डोनेट करेंगे जो भी चीज़, तो उसमें ट्रॉली जो आती है वो दी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगी। तो हम कोशिश करेंगे कि अगली बार जो भी हम डोनेट करेंगे तो उसमें ट्रॉली भी शामिल करेंगे, जिससे कि ज़्यादा सुविधा हो सके पेशेंट को। पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर साहब प्रमोद कुमार जी मीणा व उनके साथियों ने आज उपस्थित होकर इमरजेंसी में दो व्हील चेयर अच्छी किस्म की इमरजेंसी के और कोविड रोगियों की स्पेशली सेवा के लिए उपलब्ध कराई है। मैंने इनसे ये भी निवेदन किया है कि जो पेशेंट केयरिंग ट्रॉली है अगर वो हो सके तो वो और करवाएं। बाकी ये जो सेवा इन्होंने दी है जिसके हमारे जो पेशेंट हैं वो जनरली आउटडोर से जो ट्रॉली के बिना व्हील चेयर पर शिफ्ट कर सकते हैं उसमें हमें बड़ी मदद मिलेगी। मैं इनको इसके लिए धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। सरदार शहर में आज पेयजल की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने उपखंड अधिकारी कार्यालय के आगे धरना दिया। पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण और पूर्व उपाध्यक्ष मुरलीधर सैनी ने जलदाय विभाग द्वारा टैंकर से जल सप्लाई में भेदभाव व भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जांच की मांग की। इस दौरान उपखंड अधिकारी ने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता को तुरंत मौके पर बुलाकर धरने पर बैठे पार्षदों से वार्ता कर टैंकर सप्लाई में हो रही अनियमितता की जांच हेतु निर्देश दिए तथा पार्षदों की मांग के अनुसार टैंकर सप्लाई करने के लिए सहायक अभियंता को पाबंद किया। इसके बाद पार्षदों ने धरना समाप्त कर दिया। देखिए, ब्लॉक लेवल की मुखिया होने के नाते ये मेरा दायित्व है कि किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी समस्या है तो वो मैं सुनूं। और जलदाय पिछली 70 दिनों की जो है हमारी नहरबंदी के दौरान जलापूर्ति के अंदर जो भी दिक्कतें लोगों को हुई उसको लेकर आज इन्होंने मुझे ज्ञापन सौंपा है। पहले भी हमारी मीटिंग हुई है, बकायदा हमने प्रेस नोट भी जारी करवाया गया कि आपके जो भी शिकायत सुनने वाले अधिकारी है वो मौजूद रहे और जितने भी रिसोर्सेज हैं पीएचईडी के पास उनका बेहतर प्रबंधन करते हुए। देखिए, ये आपको भी पता है कि इतने फुल रिसोर्सेज अगर कहीं से ये आ गया कि आज 20 टैंकर दो तो वो हम नहीं भेज सकते। जैसा कि इन्होंने बताया है, इनके पास जो भी सीमित संसाधन है उसमें ये प्रयास करें कि उसका न्यायपूर्ण विभाग हो। मैडम, हम ये चाहते हैं कि आप जलदाय विभाग का निरीक्षण करें। आपने योजना का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बर्बाद कर दिया है। पानी के सैकड़ों लीकेज है जिससे हजारों गैलन पानी रोज बर्बाद हो रहा है। अवैध एक कनेक्शन है, अगर इस मामले में आप काम कर दे आपका काम और सुपर हो सकता है। बिल्कुल, जो भी इनके ट्यूबवेल्स खराब होने की शिकायत आज हमें प्राप्त हुई है या और भी जैसे आप लीकेज कह रहे हो, ड्यू टू कोविड टाइम हम कोविड में ज़्यादा व्यस्त थे, फिर भी कोशिश करेंगे। अब थोड़ा कोविड भी कम हो गया है तो यदि इस प्रकार की कोई कमी है तो उसको निरीक्षण के माध्यम से और अधिकारियों के साथ सामंजस्य बैठाते हुए हम दुरुस्त कराएं। तहसील के शहर और ग्रामीण पानी को लेकर के धरना दिया जा रहा है। यह वर्तमान में कोविड काल है,
48-47 डिग्री टेम्परेचर है, पानी की त्राई माम है। यहाँ के एक्शन गोविंद जांगिड जी की हठधर्मिता है, वो राज के पक्ष में और राज के नेताओं के स्वामी भक्ति दिखाने के लिए लोगों के साथ इतना बुरा व्यवहार कर रहे हैं। पानी के ऊपर इतनी राजनीति हो रही है, हर घर में पानी न जाकर के चुनिंदा घरों में पानी दिया जा रहा है, पानी बेचा जा रहा है। गांव में जहाँ ग्राउंड वाटर ख़राब है, वहाँ कोई भी अपनी योजना के गांव में जाकर के देख लो आप, चूरू और हनुमानगढ़ रोड के बीच में हर घर में त्राई है। फोगा गांव में टंकी होते हुए भी पानी नहीं है, इतनी पानी पे राजनीति। और उसके साथ यदि कोई आदमी ऑफिस में जाता है तो उसके साथ न तो ठीक से व्यवहार होता है, न कोई और होता है। इसकी हठधर्मिता की वजह से ही यहाँ पानी की इतनी हालात ख़राब हुई है। इसलिए हम बैरी सरकार को जगाने के लिए आए हैं। ये गूंगी और तोती सरकार है, इसमें क्या हाल है देश और प्रदेश के अंदर जैसे भी हालात बने हुए, इस बैरी सरकार की वजह से है, चाहे क्राइम का हो। और यहाँ पानी के लिए सारे शहर के पार्षद बैठे हुए हैं, तो हर वार्ड में यही हालात है। आज यहाँ सरदार शहर और सरदार शहर तहसील के गांव में पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है, और जो ये जलदाय विभाग का प्रशासन है वो सुनवाई नहीं करता है। जब भी फ़ोन करते हैं फ़ोन नहीं उठाते हैं, और कांग्रेस के या कोई अपने निजी चहेतों के घरों में सिर्फ पानी डाला जा रहा है, जबकि यहाँ के चुनिंदा वार्ड पार्षद आते हैं वो बोलते हैं वहाँ पे पानी नहीं जाता है, और जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। और इसको देख के आज हमने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो हम पूरे सरदार शहर के में उग्र आंदोलन करेंगे इस जलदाय विभाग और प्रशासन के खिलाफ। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के अंतर्गत आज भाजयुमो चूरू द्वारा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की प्रेरणा से लगे 4 दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम के दौरान आज चौथे दिन युवाओं द्वारा रक्तदान किया गया, जिसमें युवाओं ने रक्तदान को श्रेष्ठ दान की भावना के साथ बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। युवा मोर्चा के रक्तदान कार्यक्रम जिला प्रभारी मदन गोपाल बालान ने बताया कि मोदी सरकार के 7 वर्ष पूर्ण होने पर 4 दिवसीय रक्तदान कार्यक्रम में चूरू सहित जिले के विभिन्न मंडलों में 140 यूनिट के लगभग रक्तदान किया गया है। वे 500 से ऊपर युवाओं ने रक्तदान के लिए संकल्प लिया है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल के 7 वर्ष पूर्ण होने पर युवा मोर्चा द्वारा लगातार चौथे दिन आज ब्लड दिया जा रहा है। हमारे ब्लड बैंक में भटकिया हॉस्पिटल में युवाओं का पूरा उत्साह है और प्रदेश में कम होते कोरोना संक्रमण के आंकड़े राहत दे रहे हैं। हर दिन संक्रमण के आंकड़ों में कमी आ रही है। इसी बीच गहलोत सरकार लॉकडाउन में राहत दे सकती है। सूत्रों की माने तो सोमवार की रात तक गृह विभाग राहत भरी गाइडलाइन जारी कर सकता है, जिसमें 1 जून से मिनी अनलॉक की शुरुआत हो सकती है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए पहले जन अनुशासन पखवाड़ा, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, उसके बाद 10 मई से 15 दिन के सख्त लॉकडाउन लागू किया था, जिसे बढ़ाते हुए 8 जून कर दिया गया था। सरकार इस रणनीति में भी कामयाब हुई। लॉकडाउन के बाद कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से गिरावट आई है। कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने क्षेत्र की बिजली व पानी की समस्या को लेकर देहात कांग्रेस कार्यालय में सोमवार को जन सुनवाई की। जन सुनवाई के दौरान कार्यकर्ताओं से गांव में जाकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक करने तथा जरूरतमंद लोगों की सहायता करने का आह्वान किया। जन सुनवाई के दौरान प्राप्त शिकायतों पर गोदारा ने उच्च अधिकारियों से वार्ता कर समस्या का समाधान करने के लिए कहा। इस मौके पर पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पूर्व पंचायत समिति सदस्य सुरेंद्र हुड्डा, देहात कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भानीराम मेघवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। हेमकुंड फाउंडेशन के सहयोग डॉक्टर चैनिका उनियाल की प्रेरणा से आज रतनगढ़ की राजकीय लोहिया गर्ल्स कॉलेज में बने कोविड केयर सेंटर का सोमवार को कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने अवलोकन किया। फाउंडेशन द्वारा की गई व्यवस्थाओं की सराहना करते हुए गोदारा ने कहा कि जनहित के लिए इस प्रकार के कार्य होने चाहिए, भामाशाहों को आगे आकर इस तरह के काम करने चाहिए ताकि आमजन को वैश्विक महामारी कोरोना के इस संक्रमण काल में राहत मिल सके। इस मौके पर डॉक्टर उनियाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, देहात कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष भानीराम मेघवाल आदि उपस्थित थे। गांव घांगू के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को 45 वर्ष और अधिक आयु के लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना रोधी टीके लगाए गए। इस दौरान घांगू सहित आसपास के गांव के लोगों ने टीकाकरण करवाया। सीएससी के प्रभारी डॉक्टर एहसान गोरी ने बताया कि सीएससी को कोरोना रोधी वैक्सीन की 200 डोज मिली।
जिसमें 150 लोगों का कोरोना रोधी वैक्सीनेशन किया गया। उन्होंने बताया कि घांघू सहित घांघू सीएससी सेक्टर के अंतर्गत आने वाले सभी गांवों के लोगों को कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण के लिए जागरूक किया जा रहा है। चूरू की गायत्री शक्तिपीठ में आज कोरोना महामारी में जन कल्याण के स्वास्थ्य लाभ के लिए महाकाल रुद्र यज्ञ में श्रद्धालुओं ने आहुतियां देकर देश में खुशहाली की मंगल कामना की। इस दौरान हवन में सामूहिक आहुतियां व महामृत्युंजय मंत्र व दुर्गा सप्तशी गायत्री महामंत्र का जाप कर आपदा निवारण के लिए श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। पंडित रामलाल शर्मा ने मंत्रोच्चारण से हवन में श्रद्धालुओं से आहुतियां दिलवाई। इस मौके पर मुख्य ट्रस्टी राम सिंह राठौर, व्यवस्थापक उमेश सिंह राठौर, विनोद कुमार राकेश आदि मौजूद थे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देव छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले चाय सत्य को धारण करे, हर समय हो मग्न सारे शोक सागर से तरे, अश्वमेध आदि कर जाए। आज हमारे यहाँ गायत्री शक्तिपीठ में जो ये यज्ञ का आयोजन हुआ है, ये जन कल्याणार्थ यज्ञ हुआ है। ये कोरोना जो युद्ध स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो महामारी विनाश की स्थिति बनी हुई है और एक दूसरे में देश विदेश भी इस विवाद को लेकर के तने हुए हैं, हम चाहते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये बहुत बड़ी एक भारत के लिए समस्या है। हमारे डॉक्टर लोग, अन्य नर्सेज जो है, एक जार के लगभग जिन्होंने प्राण खोए हैं, हम चाहते हैं कि श्रद्धांजलि के रूप में हमारा एक आध्यात्मिक अनुष्ठान इस समय गायत्री शक्तिपीठ में हम एक दूसरे की दूरी बनाते हुए आज श्रद्धांजलि के रूप में ये आध्यात्मिक प्रयोग उनके निमित्त किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारा देश समृद्ध बने, सशक्त बने, होनहार हो, प्रत्येक व्यक्ति का निदान आध्यात्म से हो और दवाई के माध्यम से भी हो। हम चाहते हैं कि दुहा और दवा, दवा माध्यम है लेकिन परमात्मा की एक दुहा विशिष्ट होती है, गुरुओं की कृपा विशिष्ट होती है। पूर्व समय में भी लक्ष्मण को जब मूर्छा आई तो उसका निदान विधिवित हुआ। हम चाहते हैं कि दवाई भी, दुहा भी और दवाई भी, इस दोनों का समन्वय रखते हुए हम लोग आज गायत्री शक्तिपीठ में एक दूरी में बैठ करके ये आयोजन किया है। हम इस भारतवर्ष में समृद्धि बनाना चाहते हैं और आयु और आरोग्य की कामना के लिए चाहते हैं। निस्वार्थ भाव से हमने इस आयोजन को किया है। जय श्री राम। राजल देसर के उप तहसील कार्यालय में आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के उपलक्ष्य में समाज सेवी व पर्यावरण प्रेमी शिक्षक बाबूलाल तूनगरिया की ओर से चलाए जा रहे नशा मुक्ति महाअभियान के तहत नशा एक अभिशाप पोस्टर का विमोचन नायब तहसीलदार सुभाष कुलहरी ने किया। इस दौरान नायब तहसीलदार कुलहरी ने तूनगरिया द्वारा निर्मित नशा मुक्ति के संदेश देने वाले कपड़े के मास्क का भी प्रदर्शन कर विमोचन किया। नायब तहसीलदार कुलहरी ने तूनगरिया के इस अभियान की सराहना करते हुए कहा कि प्रकृति की अनमोल कृति है मनुष्य जीवन, इसे किसी नशे से नष्ट न होने दे। आज विश्व धूम्रपान निषेध दिवस पर संकल्प ले कि खुद भी नशा नहीं करेंगे और अन्य लोगों को भी नशा न करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उसी के तहत बाबूलाल जी तुंगरिया और दूसरे शिक्षकगण हैं, उनके साथ में आज पोस्टर का विमोचन किया गया है, नशा मुक्ति महाअभियान पोस्टर का विमोचन किया गया है। और ये मास्क हैं जो ये संदेश देते हैं कि हमें नशा मुक्ति का जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना है, उनका विमोचन किया गया है। और आज के दिवस के उपलक्ष्य में यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जो नशा है वो समाज में बहुत बड़ी कुरीति है और हमें उसको जड़ से मिटाना है। जिला कलेक्टर सावनवल वर्मा ने कहा है कि कोरोना रोधी वैक्सीनेशन कार्यक्रम को इस प्रकार प्रबंधित करें कि अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनेशन का लाभ मिले और एक भी डोज वेस्टेज ना हो। जिला कलेक्टर सोमवार को अपने कक्ष में आयोजित डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तर पर भी टास्क फोर्स की नियमित बैठक आयोजित करें ताकि ज्यादा से ज्यादा मॉनिटरिंग और वैक्सीनेशन समुचित ढंग से सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य स्तर से प्राप्त लक्ष्य के अनुसार वैक्सीन मंगवाकर लोगों का टीकाकरण करवाएं, जिन लोगों के सेकेंड डोज बाकी है उनको चिन्हित कर सेकेंड डोज लगवाएं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए जरूरी है कि सभी लोग वैक्सीनेटेड हो।
बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते दो दिन के वीकेंड कर्फ्यू के बाद सोमवार को भी रतनगढ़ शहर के बाजार बंद रहे। लगातार तीन दिन तक शहर के बाजार पूर्णतया बंद रहे। वहीं सब्जी व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें खोली। मंगलवार को किराना की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन में 1 जून से दी जाने वाली छूट का व्यापारियों को इंतजार है। खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष राम अवतार बुबना ने बताया कि यदि राज्य सरकार व्यापारियों को लॉकडाउन में छूट प्रदान करता है तो इससे अन्य व्यापार करने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। वहीं पुलिस के जवान बाजारों में मुस्तैद रहे तथा नियमों की अवहेलना करने वाले लोगों के चालान काटे। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पीआर मीना ने कहा कि जिले में ऐसे निजी चिकित्सालय जिनकी शैया क्षमता 60 से कम है, वे अपनी कुल शैया क्षमता के 30% शैयाओं पर 10 लीटर प्रति मिनट क्षमता के ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तथा बैकअप ऑक्सीजन सिलेंडर स्थापित करें। मीना ने कहा कि राजस्थान में कोविड-19 से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या, संक्रमण दर एवं संक्रमण स्तर में हो रही वृद्धि के कारण बढ़ती मेडिकल ऑक्सीजन की मांग एवं प्रदेश की भविष्य की मेडिकल ऑक्सीजन की मांग की आपूर्ति के दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं।